नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधिका मेकओवर्स में। गाइस, एक मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जो कि है हुडा ब्यूटी प्रोडक्ट पे को लेके। ये सारे प्रोडक्ट जो है ना, ये मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है इनका, काफ़ी अच्छा वीडियो ये गया हुआ है, आप लोग जाके देखिएगा इनके बारे में। बट उसमें क्या है, मैंने डेमो करके दिखाया हुआ है, वो भी हाथ पे दिखा दिया क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही यूज करा था। आया था पार्सल ओपन करके, मैंने इसका रिव्यू एंड डेमो आपको दिया था। बट उसमें क्या हो रहा है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने फेस पे करके दिखाइए, फेस पे करके दिखाइए। तो बाकी मैं आप लोगों को बिलीव हो जो लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि आप फेस पे करके दिखाइए, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि वो वाकई में देख लें कि मेरे चैनल पे वही चीज़ आती है जो रियलिटी में सही होती है। अदरवाइज़ किसी भी प्रोडक्ट में कंप्लेन कुछ भी है, वो भी मैं आपको रियलिटी बताने की कोशिश करती हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वो लोग ज़रूर देखें इस वीडियो को और इनका रिजल्ट भी देखें और बताएँ कि कैसा रहा। तो चलिए, सबसे पहले मेरा फेस वॉश है, इस पर मॉइस्चराइज़र लगा हुआ है। शुरुआत करते हैं प्राइमर से। प्राइमर लेना है आपको, अच्छे से ब्लेंड कर देना है प्राइमर को आपको। और जब भी प्राइमर लगाएं तो 1-2 मिनट का वेट करें, प्राइमर को सेट होने दीजिए। जैसे ही ये ड्राई हो तब आप इस पर फाउंडेशन अप्लाई करें। और वो लोग भी जो इस तरह का कमेंट कर रहे हैं, तो वो भी ये ध्यान रखें, जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट लें तो डायरेक्ट अपने फेस पे ट्राई ना करें। बॉडी किसी भी पार्ट में आप पेस्ट ट्राई करें, उसके बाद में अगर आपको एलर्जी नहीं होती है तो ही फेस पे ट्राई करें आप, ठीक है। तो इसमें कोई इतना, ये देखिए, ये लिया हमने फाउंडेशन। ये लिया हमने ब्यूटी ब्लेंडर। कवरेज इसका वाकई में अच्छा है, मैं इसको और एक दो बार ऑफ कैमरा भी ट्राई कर चुकी हूँ। और जो मैंने वीडियो करा है, बनाया हुआ है, उसमें भी मैंने बोला है कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लें तो उसको आप पेस्ट ट्राई करें, उसके बाद भी आप अपने फेस तक ले जाएं, ठीक है। अगर उसमें भी मुझे कोई एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम हुई होती तो मैं आपको उसमें क्लियर बताती। तो देख लीजिए, अब मैं फेस पे भी लगा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। कवरेज काफ़ी अच्छा है, वही थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको एक बार फिर से लेना है अपने डार्क सर्कल वाले एरिया पे। और नेक पर लगाना बिल्कुल मत भूलना। मैं हर प्रोडक्ट की आप तक रियलिटी पहुंचाती हूं। ये हो गया, अब आपको इसके कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर देना है। स्पॉन्ज से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्रश की हेल्प से।
ये हो गया। अब मैं यहाँ पे हल्का सा हाइलाइटर लगा लूँगी, इससे मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। डे मेकअप डे में तो मैं सिर्फ इसको नेचुरल ही रख रही हूँ, थोड़ा सा हाइलाइट लगाने से फेस पे ग्लो रहता है। अब आप लिपस्टिक लगा लीजिए कोई भी, मैं इस टाइम अपनी यही लिपस्टिक लगा रही हूँ जो मेरी फेवरेट बनी हुई है। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है और ये लिपस्टिक मुझे काफ़ी पसंद आई है, तो मैं इसको यूज भी काफ़ी कर रही हूँ। कलर मैं यहाँ पे ये वाला डार्क पिंक वाला ले रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, मैट फिनिश देता है, क्रीमी टेक्सचर है, तो बहुत तो ही आसानी से पूरे दिन आपके फेस पे लगा रहता है, ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये वही उसका हुडा का फिक्सर है, इसको आपको अच्छे से अपने फेस पे तो ये देखिए मैंने पूरा उसी से आपको मेकअप करके दिखा दिया है, किस तरह का है आपके सामने है जो भी है। तो आई थिंक उन लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे जिनको ये लग रहा था कि मैंने फेस पे इसको ट्राई करके नहीं दिखाया, तो लीजिए मैंने फेस पे भी ट्राई कर दीजिएगा। अब बताइएगा आप यूज करिएगा और मैं ही बताइएगा इसका लुक आपको कैसा लगा। डेली मेकअप के लिए, रेगुलर डे मेकअप के लिए काफ़ी ठीक है, हाँ हाई कवरेज कुछ नहीं है, बट आपको डेली के लिए अच्छा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तैयारी की तरफ, आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।